न्यूज साथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि पांडे। देश विदेश से खेल मनोरंजन और राजनीति जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज साथी एक्सप्रेस। फिलहाल खबर है बुंदेलखंड के झांसी जिले से। राजस्थान के कोटा में फंसे हजारों विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए झांसी जिला प्रशासन ने 100 बसों को कोटा के लिए रवाना किया है। ये बसें उन विद्यार्थियों के लिए भेजी गई हैं जो लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा में पढ़ाई के दौरान वहां फंस गए थे। यूपी रोडवेज की बसों को आज झांसी के पुलिस लाइन से रवाना किया गया। बसों में यूपी पुलिस के जवानों को भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भेजा गया है। प्रत्येक बस में 2 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। झांसी के कोटा के लिए रवाना हुई यूपी रोडवेज की बसों में बकायदा अनुमति पत्र जिला प्रशासन की ओर से चस्पा किया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि ये बसें राजस्थान के कोटा भेजी जा रही हैं, जहां से बस में उत्तर प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों को अपने गृह प्रदेश में लाया जाना है। इसके लिए बस को संचालक की अनुमति दी गई है। यह अनुमति पत्र जिलाधिकारी जालौन और जिलाधिकारी झांसी की ओर से जारी किया गया है। के कोटा में फंसे विद्यार्थियों के लिए झांसी प्रशासन ने लगभग 100 रोडवेज बसों को कोटा के लिए राजस्थान के कोटा के लिए रवाना किया है, जिसमें लगभग 100 बसें झांसी पुलिस लाइन से राजस्थान कोटा के लिए रवाना हुई हैं, जहां पर छात्र छात्राएं राजस्थान के कोटा में फंसे हुए थे लॉकडाउन के चलते, जहां भोजन पानी की व्यवस्था भी उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। यूपी सरकार के निर्देश पर झांसी जिला प्रशासन ने लगभग 100 रोडवेज बसों को राजस्थान के कोटा के लिए रवाना किया है।